नमस्ते फ्रेंड, मैं ममता ममता क्रिएशन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत टेस्टी जो लौकी की सब्जी, मुझे पता है लौकी की सब्जी बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बट मैं जिस स्टाइल से आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत यूनिक और अच्छा है। उसको आप बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने का मन करेगा। चलिए जानते हैं किस तरह का बनता है हमारी लौकी की सब्जी। चलिए हम मूंगफली लेंगे। मूंगफली को हमने आधे घंटे के लिए भिंगो के इसको रख दिया था। उसके बाद हम सबसे पहले तड़के में हम हींग लेंगे। हींग हमारे एक चुटकी हींग रहेगा, हींग से स्वाद बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग राई लेंगे। राई हमारा एक चम्मच, राई, जीरा और मेथी दाना है, 5 से 6 हमारा मेथी का दाना है, तो हमने 1 टीस्पून ले लेंगे। उसके बाद हम लाल मिर्च लेंगे, सूखी हुई लाल मिर्च लेंगे, ये हम 1 लेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अदरक लेंगे, 1/2 इंच का हम लोग अदरक लेंगे, इसको मैं काट लेंगे। उसके बाद हम लोग लहसुन लेंगे, लहसुन हम लोग का 6 से 7 कली हमारा लहसुन रहेगा। उसके बाद हम लोग लेंगे हरा मिर्ची हमारा 2 लिया है हमने, क्योंकि हमने तड़के के लिए एक सूखी हुई मिर्ची ली थी। अब हम 2 हरी मिर्ची लेंगे। उसके बाद हम कड़ी पत्ता लेंगे। कड़ी पत्ता अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कड़ी पत्ता को स्किप कर सकते हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैंने ये रखा है। उसके बाद मसाले में हम लोग ज़्यादा मसाला नहीं लेंगे। मसाले में हम थोड़ा सा धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 से भी कम टीस्पून हमारा गोलकी पाउडर मतलब ब्लैक पेपर लेंगे। ब्लैक पेपर हमारा 1/2 टीस्पून से भी कम रहेगा थोड़ा सा। चलिए हम बनाते हैं अलग स्टाइल से लौकी की सब्जी। चलिए लौकी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिर्ची, अदरक और लहसुन और ये मूंगफली को हम पीस लेंगे। ज़्यादा में ही नहीं पीसेंगे, हल्का मोटा रहने देंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से। अब इसमें हमने जार ले लिया है। अब जार में हम ये लहसुन, ये अदरक डालेंगे, ये मिर्ची डालेंगे, इस तरह से, और ये हम कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता हम थोड़ा सा डालेंगे, हमें तड़के के लिए भी कड़ी पत्ता चाहिए। इसके बाद हम ये मूंगफली डालेंगे। थोड़ा सा हम ये तड़के वाला मटेरियल डाल देंगे। चलिए इसको हम थोड़ा सा ये पानी डाल देते हैं, ये पानी हमारा साफ है, हल्का सा हम पानी डाल देंगे और इसको हम पीस देंगे। देखिए हमारा ये पीस गया है, हमने इसको ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, थोड़ा खड़ा छोड़ देंगे। चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमारा ये कढ़ाई गर्म हो गया है, हम गैस को कम कर देंगे। हम 1 टीस्पून सरसों का तेल लेंगे। हम ये सरसों का तेल में बनाएंगे। अगर आप नॉर्मल तेल या रिफाइंड तेल खाते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। तो 1 टीस्पून हम ये सरसों का तेल लेंगे, इस तरह से हम डाल देंगे। फिर हम 1 चुटकी हींग डाल देंगे। फिर हम ये राई, जीरा और मेथी का दाना है वो डाल देंगे। ठीक है, जब तक आवाज़ हो रहा है हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब हम आवाज़ होना बंद हो गया है, अब हम ये लाल मिर्च डाल देंगे। 1 है, मैंने 1/2 टुकड़े में काट लिया है। इसको इस तरह से पकने देंगे मिर्ची को। ये हमारा कड़ी पत्ता है, इसको ऐसे तोड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर अंदर का हमें मिल सके। कड़ी पत्ता भी हमने डाल चुका है। अब देखते हैं, ये लौकी डाल देंगे, कटी हुई लौकी है, इस तरह से। फ्राई करेंगे। लौकी हमारा पानी छोड़ेगा, इसको हम इसी तरह चलाते रहेंगे। देखिए हमारा लौकी फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे ताकि हमारा लौकी का पानी निकल सके लौकी में से। चलिए हम नमक डालते हैं। देखिए हमारा लौकी पानी छोड़ दिया है, देखिए हमने इसमें नमक डाल दिया था। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे।
हल्दी हमने हाफ टी स्पून लिया है, इसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे। इसको हम इस तरह से चला के थोड़ा ढक देंगे ताकि लौकी और पानी छोड़ सके। ये देखिए हमारा ये पानी, लौकी पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर है और ये हमारा गोलकी पाउडर है, ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं। हम इन दोनों को एक साथ डाल देंगे, इसको हम ऐसे फ्राई कर इसमें मिला लेंगे। लौकी का कलर कितना खुल के आया है इससे। ये देखिए हमारा मसाला भी लौकी में मिक्स हो चुका है, हमारा मसाला भी पक चुका है। अब इसमें हम मूंगफली का जो पेस्ट बनाए थे हम वो डालेंगे। ये हमारा मूंगफली का पेस्ट है, इसको हम डालेंगे। ये देखिए थोड़ा से मिक्स करेंगे इसमें लौकी में। फ्लेम को हम कम कर देंगे, मीडियम कर देंगे ताकि सटे ना। मैं थोड़ा और बचा हुआ है सब डाल देंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के हम मिक्सी में चला देंगे ताकि हमारा इसमें पानी मिक्स हो सके। ये जो हमारा पानी है इसको इसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसमें मिक्स करने के बाद और अलग कलर आया है इसका। आप ये सब्जी घर में बनाएंगे तो बाबा आपको बनाने का मन करेगा, बहुत टेस्टी लगता है। इसको रोटी या पराठे के साथ खाइए। चलिए इसको हम थोड़ा ढक के रख देते हैं ताकि टेस्ट हमारा इसमें मिल सके लौकी में। ये देखिए हमारा लौकी का सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हमको धनिया पत्ता डालना है, हम इसमें अब धनिया पत्ता डालेंगे। ये देखिए हमारे धनिया पत्ता मैंने मेन काट लिया है। अब इसको हम इस तरह से ऐसे फैला देंगे। इसे भी चला देंगे। अब इसको हम ढक के रख देंगे ताकि हमारा धनिया पत्ता का फ्लेवर इसमें मिक्स हो सके और हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए नए स्टाइल का हमारा लौकी का सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके साथ रोटी या पराठा खाएंगे। चलिए हम बनाते हैं रोटी। चलिए तो हमारा सब्जी बन गया है, अब हम टेस्ट करके देखते हैं किस तरह से बना है। चलिए हम खाते हैं। वाओ, सब्जी बहुत टेस्टी है। मैं चाहूँगी आप मेरा ये वीडियो देखिए और ये सब्जी बनाइए और खाइए। मैं जानती हूँ आप ये सब्जी बनाएंगे और खाएंगे तो बार बार बनाने का आपको मन करेगा। अगर आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं वो भी खाने लग जाएंगे। चलिए जाइए मेरा पूरा वीडियो देखिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी ऐसी सब्जी बनेगी। जाइए बनाइए, मैं अपना फिर टेस्ट करके और देखती हूँ। जाइए।